एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज यहाँ पे 6 मार्च 2023 इस तरह से दोस्तों रोड कंडीशन के हवाले से बात करें जोजिला पास के, तो आज रोड यानी सोनमर्ग साइड से पहुँच चुका है पानीमाथा एरिया में, यानी रंगा एरिया से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर क्लियर कर चुका है रोड कंडीशन। और इस तरह से मीनामर्ग साइड से दोस्तों शैतान अलग क्रॉस करके आगे की ओर आ चुका है, तो इस तरह से एक हफ्ता लग सकता है। बाकी कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो हम देखते हैं जी कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे भाई ने चाहे कि रिप्लाई दो, तो सोचे कि एक वीडियो के जरिए से मैं क्लियर कर दूँगा। जैसा कि मैंने अपने स्टूडियो में जाकर कुछ यूँ देखा, तो यहाँ पर देख सकते बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आए हुए हैं, तो जस्ट मैं उनकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जैसा कि यहाँ पर मोहम्मद अली, ग्रेट जॉब भाई, थैंक्स, सो मोस्ट वेलकम भाई। इस तरह से डोलमा ने कमेंट किया, बहुत सारे मौजूद भेजा, सो उसके लिए भी थैंक यू। इस तरह से ओडिन शॉर्ट्स, और कितना टाइम लगेगा जोजिला खोलने में? बस एक हफ्ता या 10 दिन तक लग सकता है ये रोड खोलने में, लेकिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं बोला जाता क्योंकि मौसम पे कोई भरोसा नहीं। इस तरह से जाहिर ने कमेंट किया है, अभी कब तक रोड खुलेगा भाईजान? तो मैं सबके लिए ही कहूँगा जो मैंने आपको पहले रिप्लाई दे दिया है, तो उसके लिए भी यही रिप्लाई है। मोहम्मद हसन, ग्रेट, थैंक यू भाई। इस तरह से अरहान कमेंट कर रहा है फेक न्यूज़, तो सच क्या है किसी और चैनल से जाके देखो, कोई मजबूरी नहीं कि आप मेरे वीडियोज़ देखें। इस तरह से अजगर अली, जोजिला कब तक खुलेगा? उसके मैंने रिप्लाई पहले दे दिया। एमडी रजा, ओके डियर, गुड मॉर्निंग, कीप इट अप गुड प्रोग्रेस, सो थैंक यू भाई, आगे भी सपोर्ट करते रहना। बाबा, गुड जॉब ब्रो, आई एम सागर, यू नो, हाँ शायद वही वाला सागर जो जिसका चैनल है। एंड इस तरह से बरीडा टूर्स, कल वो एवलांच का वीडियो दिखा के डरा दिया भाई आपने। भाई यार, दिखाना तो पड़ेगा क्योंकि इन चीज़ों से आप अलर्ट रहना आपके लिए। मोहम्मद ईसा, थैंक्स सर फॉर इन्फॉर्मेशन, टनल का काम स्टार्ट सोच से था, सो अभी तक स्टार्ट तो हो गया भाई, बाल्टल साइड से भी और मीनामर्ग साइड से तो ऑलरेडी चल रहा था। इस तरह से अरहान हल भी फेक न्यूज़ भाई, सच क्या है किसी और चैनल से जानो, मैंने बोला है बार बार, कमेंट मत करो प्लीज़। UKDW, रोड क्लियरेंस का क्या हाल है भाई? काम चल रहा है ऑन बोथ साइड, तो बस कुछ दिनों बाद मिल जाएगा, आपको अपडेट्स लाते रहूँगा, बस सपोर्ट करना अपने भाई को। साजिद अली, कीप इट अप, थैंक्स ब्रो। मोम, वेयर इज़ इट मैन रिप्लाई सून? भाई ये हमारी साइड से है जोजिला पास में, जो बड़ा सा एवलांच आया था, तो ये मैं डॉट क्लियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ कोई बंदा नहीं था, ये भाई सीसी कैमरा से निकाला गया है, उसी का फोटेज तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। इंजन से अलर्ट रहिए क्योंकि 5 सेकंड भी नहीं लगते दोस्तों एवलांच अगर आ जाएगा, तो वो बस मैं कहना चाहूँगा उन चीज़ों से अलर्ट रहिए भाई। यूट्यूब व्यूज तो कुछ इसने कम, सच ए ग्रेट वीडियोस, तो ये बहुत सारे, तो ये बंदा मेरे चैनल पर अक्सर कमेंट करते, थैंक यू भाई। हुसैन ने कमेंट किया है, व्यू किए चक्कर में कुछ भी चीप हरकत मत करो भाई, इतना अच्छा चैनल ग्रो हुआ है, कुछ क्वालिटी कंटेंट है, थैंक यू भाई। बाकी इसमें भी कोई ख़राब वाली कंटेंट नहीं है, ये भी बहुत अच्छा वीडियो है भाई। बाकी आपको क्या लग रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ। इश्फाक भाई, ये रियल है? हाँ भाई, तो झूठ कहाँ से लाऊंगा। इस तरह से बरीडा टूर, व्हाट द हेल इज़ दैट भाई? आप देख रहे हो कि बना चाह रहा है भाई, जस्ट इन 5 सेकंड पूरे एरिया कवर कर रहा है। इस तरह से ये कौन सी जगह, इसी ने कमेंट किया है भाई, कोई जानी नुकसान या कैजुअलिटीज? नो भाई, कोई नुकसान नहीं क्योंकि ये फोटेज सीसी कैमरा से निकाला गया हमारे एरिया का, तो कोई जानी नुकसान नहीं है। फैज़ान अहमद लोन, थैंक्स यू, मोस्ट वेलकम ब्रो। अली, फेक न्यूज़ है तो सच क्या है? आप किसी और चैनल से जानिए। मोहम्मद इलियास, सो थैंक यू भाई। इस तरह से सलादीन मुसवी, ग्रेट जॉब भाई, थैंक्स, कीप अपडेटिंग, सो मोस्ट वेलकम ब्रो। ऐसे आगे भी सपोर्ट बनाए रखना मेरे इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट तक जाने वाली वीडियो बहुत लंबी होगी, तो मैं थोड़ा सा और कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा। इस तरह से एमआर शाह, मीनामर्ग साइड से शैतान अलग पहुंच गया है, सो थैंक यू भाई, मैंने बोला था कि आप जो जानते हैं मुझे बताइए, तो इसने बोल दिया, सो उसके लिए थैंक्स दिल से। TRP लद्दाख भाई, कब से बोल रहा है रंगा एरिया पहुंच गया भाई, तो ये क्या कर सकता हूँ, जब मौसम साथ नहीं दे रहा तो आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, बीच में थोड़ी ना जाइए। नासिर, इस तरह से कब तक खुलेगा भाई? सबके यही कॉमन क्वेश्चन आते, तो मैं ये कहूँगा भाई जैसे कंडीशन है, मौसम साथ देगा तो खुलेगा। अगर आप प्रेडिक्शन दूँ तो तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन तक लग सकता है। अब्बास, जोजिला टनल अपडेट प्लीज़, रेस्ट गुड इन्फॉर्मेशन भाई। सिंपली दूंगा, मीनामर्ग साइड से काम चल रहा है, करीब 3 किलोमीटर क्लियर हुआ है, और यहाँ यानी बारतल साइड से भी चल रहा है 2700 मीटर, एंड टनल वन मुकम्मल हो चुका है, टनल टू में थकम बाकी है, सो इतना ही। मोहम्मद अली खान, जब से इस चैनल पर आया हूँ बस यहीं सुन रहा है, रंगा एरिया से आगे जा रहे हैं, ये रंगा एरिया से कब निकलेंगे भाई? इस मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रंगा एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ BRO टीम वहीं पे रहते हैं। सईद मोहम्मद, इट विल ओपन बी अप्रैल, सो चांसेस है भाई अप्रैल में खोल सकता है। आदिल एक्सप्रेस, हाय ब्रो, हेलो ब्रो। शफकत रजा, कब तक खुलेगा भाई? मैंने बोल दिया सारा कमेंट्स के रिप्लाई पहले ही। निसार हुसैन शाबानी, थैंक यू फॉर न्यू अपडेट ऑन जोजिला, सो थैंक यू भाई आपके लिए भी, मोस्ट वेलकम। खुर्शीद अख्तर, वेरी थैंक्स, नो सो थैंक्स दिस। इस तरह से मोहम्मद रजा, इट विल ओनली इन अप्रैल, सो स्टॉप डूइंग बकवास एंड सेम माई मैसेज। अरे भाई, तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं कि मेरे वीडियोज़ जाके के लिए अपलोड करते हैं कि आपके लिए, सो इतना ही दोस्तों। बाकी इंशाल्लाह बहुत सारे कमेंट है, ये लंबा वीडियो हो गया, इसलिए
मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो पर, इंशाल्लाह आप भी कमेंट करना ताकि आपके भी अगला वीडियो में मैं आपको रिप्लाई दूँ। सो इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होगी जी फिर से नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।